हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या पेटीएम काम करना बंद कर देगा, क्या हम पेटीएम को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम को लेकर क्या ऑर्डर्स दिए हैं, क्या इसमें डिपॉजिट्स और क्रेडिट्स भी बंद होने वाले हैं, आपके जो भी बैलेंसेस बचे हुए हैं पेटीएम में उनका क्या होगा। कई सारे सवाल हैं आपके सामने, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम से जुड़ा हुआ क्या ऑर्डर दिया है। स्टूडेंट्स, सेशन शुरू करने से पहले कुछ और भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आपके हित के लिए जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है कि 2025, 2026 या 2027 तक हम यूपीएससी क्रैक कर लें, तो सारे के सारे यूपीएससी का जो कोर्स है ना, वो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, हर चीज आपको सिर्फ एक सेशन में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि 2025 की जो आपकी तैयारी है उसके लिए सेशन 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम में तो उसके लिए 16 फरवरी से सेशन शुरू हो रहा है। स्टूडेंट्स, खास बात क्या है इन सीरीज की, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलने वाला है। मतलब आप पर्सनली अपने फेवरेट एजुकेटर से कोई भी सवाल पूछ पाएंगे, उनसे पर्सनल डिस्कशन कर पाएंगे, उनसे जान पाएंगे कि किस तरह से आप एग्जाम क्रैक कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हैं कोई भी कोर्स के लिए, आप लोगों को मेरे रेफरल कोड को याद रखना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे आपको फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट्स विद टाइम, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है आप लोगों को इस पर्टिकुलर रेफरल कोड से 10-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रिया 11 इस कोड को आप याद रखिए, ठीक है, और इसी कोड के जरिए आपको 10-20% डिस्काउंट अभी एट प्रेजेंट सारे कोर्सेज पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं कि एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसके साथ साथ आप कोई भी अपने पसंद के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है इसमें से कोई भी आप एज योर ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपके हित के लिए थी। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक शुरू करने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए 4 फरवरी को किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2024 के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पेटीएम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, ये 29 फरवरी 2024 यानी 2024 से शुरू होंगे, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस लागू होंगे 29 फरवरी से। सो स्टूडेंट्स, आप बस इस चीज को ध्यान में रखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो फंड ट्रांसफर आप करते थे पेटीएम के थ्रू, बिल पेमेंट जो करते थे पेटीएम के थ्रू, या जो भी यूपीआई फैसिलिटीज है ना, वो फरवरी 29 के बाद उन सुविधाओं का क्या होगा, क्या हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या हम कंटिन्यू उसका यूज कर पाएंगे, चलिए ये भी समझते हैं। देखिए,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने ये बताया है, ये कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो कुछ सर्विसेज को ऑफर नहीं करेंगे, जैसे कि फंड ट्रांसफर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिल पेमेंट्स भी नहीं कर पाएंगे, या फिर यूपीआई फैसिलिटी भी इसके थ्रू आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा ये फैसला है, बहुत बड़ा ये न्यूज है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों की ये आदत हो गई थी, जनरली हम लोग पेटीएम इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी के बाद से हम इसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो यूजर्स है ना, वो मनी ट्रांसफर, बिल ट्रांसफर या यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है पेटीएम बैंक के थ्रू नहीं कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद, ठीक है। तो अगर आपके भी अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस है जो आपने पेटीएम में रख रखा है, तो अभी आप उसको बिफोर 29 फरवरी अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं या फिर उसको निकाल भी सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास रहेगा, ठीक है। अब बात जब आती है पेटीएम वॉलेट की, आप सब जानते हैं कि हम लोग कुछ पैसे पेटीएम वॉलेट में भी रखते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम वॉलेट को लेकर ये कहा है कि पेटीएम वॉलेट की जो सर्विसेज है, ठीक है, जो पेटीएम बैंक के ऊपर स्पेशली निर्भर रहती हैं, उसमें भी व्यवधान जो है देखने को मिलेगा, उनको भी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पेटीएम डिपोजिट जो है उनको 29 फरवरी तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा, और साथ ही स्टूडेंट्स कस्टमर्स जो हैं वो फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अंटिल डिप्लीशन, ठीक है, जब तक इनका फंड धन राशि जो है ग्राहक का पेटीएम के अंदर जब तक वो समाप्त नहीं होता तब तक वो उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी राहत वाली बात हुई कि अगर पैसे हैं तो जब तक वो खत्म नहीं हो आप यूज करिए, ठीक है। इसके अलावा यूजर्स जो हैं, जो उपभोक्ताएं हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो अभी भी वॉलेट का जो बैलेंस है ना, आपके पेटीएम वॉलेट में जो बैलेंस आपने रखा है वो आप किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल चार्ज के, ठीक है। अगर आपने पेटीएम वॉलेट में पैसा रखा है तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पेटीएम वॉलेट। अब फास्टैग और सब वॉलेट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या पॉपअप जो फास्टैग्स के लिए हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर दूसरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई जो है उसको भी 29 फरवरी तक सीज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो सर्विसेज है ना उसमें एनसीएमसी कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, जिनको हम मेट्रो में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद है आपको हम मेट्रो में एनसीएमसी कार्ड यूज करते हैं, तो इसमें वो भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा जो हम सब वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं फूड या फ्यूल फैसिलिटीज के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होने वाली हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है ना उनको आप यूज कर सकेंगे जब तक आपका बैलेंस खत्म ना हो, लेकिन किसी भी तरह का फ्रेश फंड आप अपने पेटीएम में फरवरी 29 के बाद जो है ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितना पहले से पैसा है बस उसको यूज कर लीजिए बिफोर 29 फरवरी, कोशिश करिए वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसमें नया फंड ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चाहे वो मेट्रो कार्ड हो, एनसीएमसी कार्ड हो या फिर सब वॉलेट्स हो, इन सभी में कोई भी इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, तो अगर आपने पेटीएम से कोई स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जो है इफेक्ट नहीं होगा आरबीआई के डिसीजन से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आरबीआई का मानना है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटर होता है ना वो सेबी होता है, ठीक है। सेबी जो है ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर होता है, और इसीलिए आरबीआई के जो ऑर्डर्स हैं उसमें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आफ्टर दैट
लोन्स की अगर बात करें, ठीक है, जो पेटीएम के द्वारा लोन्स लिए जाते हैं, तो उसपे भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी रिस्क लोन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है जो पेटीएम के थ्रू आपने लिया हो, ठीक है। ये जो लोन्स है ना, ये थर्ड पार्टी लेंडर्स के द्वारा फैसिलिटेट किए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही जो बोरोवर्स होते हैं उनको ये जरूरत है कि वो अपनी रीपेमेंट्स टाइम टू टाइम करते रहें। अगर उन्होंने पेटीएम के द्वारा कोई लोन लिया है तो आपको जो है टाइम टू टाइम अपने जो रीपेमेंट्स है वो करते रहने होंगे, ठीक है। तो ये चीज है लोन के बारे में। अब डिपॉजिट की अगर बात करें, मतलब आपने अगर कोई जमा करके रखा है पेटीएम में, ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो किसी भी तरह का डिपॉजिट 29 फरवरी यानी 29 फरवरी के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, 29 फेब के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक किसी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो सिर्फ अपने जो पहले से फंड्स है ना वो एंड ऑफ फरवरी तक जो है एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन और लोन वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजों पे इसका असर नहीं होगा। ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो किसी भी तरह के न्यू यूजर्स को ऑनबोर्ड नहीं करेगा फरवरी 29 के बाद, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो अभी भी ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन को एक्सेस कर सकते हैं और ऑफलाइन सर्विसेज जो है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि पेटीएम पेमेंट गेटवे ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन मर्चेंट जितने भी होंगे उनका जो पेमेंट नेटवर्क है ना वो किसी भी बिना डिसरप्शन के एग्जिस्टिंग मर्चेंट के लिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये डिपोजिट को लेकर है कि 29 फरवरी के बाद किसी भी तरह का डिपॉजिट पेटीएम पेमेंट बैंक में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ आई होप ये जो न्यूज है, ये जो मुद्दा है, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बल्कि डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जेन जी और जो यूथ है उनकी आदत है हम कैश लेके घूमते ही नहीं है, हम ज्यादातर पेटीएम का यूज करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करिए ताकि हर किसी को इस विषय में पता चल सके कि कौन कौन सी सर्विसेज 29 फेब के बाद बंद होने वाली हैं, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया, बट सेशन एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट है 2025, 26 या 27 स्टूडेंट्स, 2025 का बैच जो है 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो बैच उसके लिए 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। आपको क्या करना है, unacademy.com पे जाना है, अपना टारगेट जो है आपका उस ईयर को आपको सिलेक्ट करना है और उसमें रेफरल कोड के तौर पे प्रिया 11 का इस्तेमाल करना है, PRIYA 11, बस ये आप डालेंगे और 10-20% आपको तुरंत डिस्काउंट आपके कोर्सेज पे मिलने वाला है। और जैसे ही कोई नया ऑफर आएगा ना इससे रिलेटेड मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स, और साथ ही टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करिए जो 4 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बट जाने से पहले एक बार याद दिला दूं, शाम 6 बजे मेरी क्लास रहती है स्पेशल अनअकैडमी पे, तो आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करें। इसमें हम लोग MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले पूरे वीक हम लोगों ने रिवाइज किया था सारा करेंट अफेयर्स, तो इस बार हम लोग सारे MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपके एग्जाम का जो टारगेट है, जो प्रैक्टिस है, उसके तहत आपकी जो पॉसिबिलिटी है क्लियर करने की वो बढ़ सके, ठीक है। सो मिलते हैं फिर से शाम 6 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।